कबीर नगर स्थित कबीर मठ हिंदू मुस्लिम एकता व भाईचारे का प्रतीक है। निरंतर कबीर मठ की सुंदरता, सद्गुरु कबीर के विचारों से प्रभावित लोग बड़ी संख्या में यहां पर आकर सद्गुरु कबीर की समाधि स्थल पर शीश नवाकर उन्हें नमन करते हैं। वहीं जाति पाति के भेदभाव को खत्म कर सद्गुरु कबीर लगातार समाज में स्नेह व प्यार की भावना के तहत लोगों को शांति का संदेश देते थे। उसी संदेश को आम जन तक पहुंचाने का कार्य पीठाधीश्वर महंत विचार साहिब द्वारा भी किया जा रहा है, जिसके तहत कबीर वाणी प्रकाशन केंद्र के माध्यम से सद्गुरु कबीर के साहित्य के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं लोग। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कबीर चौरा धाम मघर के पीठाधीश्वर महंत विचार साहब ने बताया। हाँ जी कबीर साहब, मध्यकाल में जब यहाँ पर भक्ति आंदोलन के और संत मत के प्रवर्तक हैं, तो उन्होंने खास करके उस समय जो हमारा समाज था, बहुत भेदभाव, ऊंच नीच, खान पान की मर्यादा, तमाम चीज़ों में, तो कबीर साहब ने एक तत्काल जो समाज को प्रेम की, भाईचारे की, अपनत्व की जो परंपरागत मान्यताएं थी, कुछ धार्मिक जड़ता थी, किसी तरह की कुछ तमाम चीज़ें जो थी, भाईचारा नहीं था, जातियों का बहुत प्रभाव था, अज्ञानता, शिक्षा, उसे निकलने के लिए उन्होंने मनुष्यता को मूल्य दिया और बाहर जो लोग भस्मय हुए थे, ईश्वर परमात्मा अपनी मान्यताएं देवी देवता, उससे बाहर निकल कर उन्होंने कहा, कर बहियाँ बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगर नदी बहसो कसमरे पियास, अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भाव ने दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। तो इस तरह से कबीर साहब एक मनुष्यता को मूल्य दिए, मनुष्यता को उभारने का प्रयास किया और किसी को भी मनुष्य, सच्चा मनुष्य बनने के लिए, सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए। कोई भी सच्चा मनुष्य सत्मार्ग पर जब चलेगा तो वो भेदभाव, ऊंच नीच, अपने पराये से बाहर होगा, दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहेगा, अपने आप एक गुण उसमें आएंगे। तो कबीर साहब इस तरह का सत्मार्ग हर मनुष्यता को मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित किए हैं।